हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल की भूमि पर बनी व्यायामशाला पर अवैध कब्जे होने और उन्हें हटाने को लेकर मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र का स्वतः संज्ञान लेते लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 6 सितंबर तक का समय दिया था। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले में आज सुनवाई की गई है, जिसमें न्यायमित्र गोपाल के वर्मा ने क्षेत्र निरीक्षण कर फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि नजूल की भूमि के लगभग 5 एकड़ भूमि में अतिक्रमण किया गया है। इसमें केवल 20 लोगों ने ही फ्री होल्ड कराया है, जबकि इस क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने दुकानें खोलकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो धर्मशाला है, बच्चीकौड़ धर्मशाला में ही यह व्यायामशाला स्थित है, और इसमें ये खसरा नंबर 636 का पार्ट है, और खसरा नंबर 636 करीब करीब 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन उसमें इन्वॉल्व है। उस 5 एकड़ में सिर्फ 20 लोगों ने ही अपनी जगह को फ्री होल्ड कराकर उसमें अपने राइट डिक्लेयर करवाए हैं, और उसके अलावा सैकड़ों वहाँ पर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, और एक स्वराज आश्रम है, और भी बहुत सारे वहाँ पर भवन स्थित हैं जो कि पूरी तरह से सरकारी ज़मीन, जो कि नजूल लैंड है, उस पर बने हुए हैं, और उन पर उनका कोई भी मालिकाना हक रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं है। तो ये रिपोर्ट आज हमने न्यायालय में पेश की।